नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडाणी एजुकेशन एकेडमी आसिंध के यूट्यूब चैनल पर। मैं चेंसुक सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका। आज मैं एग्रीकल्चर संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आपके हिसाब से कमेंट में बताकर मुझे बताइएगा क्या त्रुटि है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वीडियो की। तो पौधशाला प्रबंधन, तो सबसे पहले बात करें पौधशाला प्रबंधन होता क्या है। तो वेस्मित क्षेत्र जहाँ छोटे तथा महंगे पौधों को संगन रूप से बोकर छोटी उम्र में अनुकूल वातावरण प्रदान कराना ही पौधशाला प्रबंधन कहलाता है। तो अपने को परिभाषा तो एग्जाम में कोई पूछता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, जहाँ से अपने क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। तो सबसे पहले क्यारी का, पौधशाला में क्यारी का आकार, पौधशाला में क्यारी का आकार, पौधशाला में क्यारी का आकार फिक्स होता है। जैसे पौधशाला में क्यारी में लंबाई, लंबाई 3 से 5 मीटर, चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर। पौधशाला में क्यारी की ऊंचाई, दस से 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये दोनों मीटर में दे रखा और ये ऊंचाई अपने को 10 सेंटीमीटर में दे रखी। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि 3 से 5 मीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर। तो ये याद रखना अपने को ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर। अब अपन बात करें कि सबसे पहले पौधशाला में लगने वाला हानिकारक रोग कौन सा है। पौधशाला में लगने वाला हानिकारक रोग, लगने वाला हानिकारक रोग पौधशाला में लगने वाला रोग की बात करें तो ये कवक से होता है और आद्र गलन होता है। जो पौधशाला का रोग है वो है आद्र गलन। ये कवक से होता है और ये जिस कवक से होता है उसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से आद्र गलन रोग होता है और इसके उपचार के लिए इसका उपचार अपन मैंकोजेब नामक कवकनाशी से, आद्र गलन का उपचार मैंकोजेब कवकनाशी से करते हैं। अगर अपनी क्यारी में आद्र गलन नामक रोग हो गया तो मैंकोजेब नामक कवकनाशी से अपन बच सकते हैं। इसका छिड़काव करके अपन इस रोग से बच सकते हैं। अगर पौधशाला में रोग की बात हो गई, अगर पौधशाला में बात करें कीट की, तो कीट कौन सा लगता है। तो पौधशाला में महत्वपूर्ण कीट, कीट पौधशाला में कीट की बात करें तो महत्वपूर्ण कीट है दीमक, जिसे अपन उदय कहते हैं या सफ़ेद चींटी कहते हैं या अंडे देने की मशीन भी कह सकते हैं, जैसे दीमक, जिसका साइंटिफिक नेम है ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ये इसका साइंटिफिक, और इसके अगर अपने को खेत में अपने बहुत सारा में जैसे दीमक लग गई है और इसका उपचार के लिए, तो इसका उपचार अपन करेंगे क्लोरोपाइरीफोस।
क्लोरोपाइरीफॉस। अगर अपने पौध साधन में दीमक लग गई है तो इसका उपचार क्लोरोपाइरीफॉस प्लस सिंचाई दोनों से पौध साधन को उपचारित करेंगे, जिससे दीमक लगने की संभावना कम होगी। आगे अपन बात करें तो सबसे पहले अगर अपन पौध साधन में जो भूमि होती है उसको उपचारित किससे करेंगे, पौध साधन में जो भूमि होती है उसको उपचारित किससे करेंगे, पौध साधन में भूमि का उपचार बहुत सारा में जो भूमि का उपचार काम आता है वो फॉर्मलिन नामक रसायन से, फॉर्मलिन या फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड नामक रसायन से बहुत सारा की भूमि का उपचार करते हैं। आगे अपन बात करें कि बहुत सारा में क्षेत्रफल कितना रखते हैं सब्जियों की अगर तैयार करने हैं नर्सरी, तो पौधशाला का क्षेत्रफल तो सबसे पहले बात करें तो टमाटर में अपन रखते हैं 100 से 125 मीटर। टमाटर, बैंगन में अपन रखते हैं 125 से 150 मीटर। आगे अपन बात करें तो मिर्च में 150 से 200 मीटर। बात करें आगे तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी में 200 से 250 मीटर एरिया रखते हैं। ये सभी एरिया हेक्टर के लिए, एक हेक्टर के लिए। आगे बात करें प्याज में अपन रखते हैं 500 मीटर। ये आंकड़े फिक्स हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करें, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए इसका। स्क्रीनशॉट दे दिया होगा आपने। आगे अपन बात करते हैं पौध साधन में बीजोपचार। पौधशाला में बीजोपचार अपने मुख्यतः एफ, ये अपने को याद रखना, FIR, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। सबसे पहले कवकनाशी से करना है, सेकंड पे कीटनाशी से करना है, फिर राइजोबियम नामक जीवाणु से बीजोपचार करना है। तो मुख्यतः काम आने वाला पौधशाला में प्रचलित कवकनाशी। थायरम, कैप्टान, बॉन्स्टिन। इन तीनों कवकनाशी से अपन पौध साधन में बीज उपचार कर सकते हैं। और अगर इसकी मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः उपयोग में दिया जाता है थायरम, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। अगर अपने को 1 किलो बीज उपचार करना है तो 2 से 3 ग्राम थायरम का उपयोग करते हैं। ये अपन बात हो गई। अगली अपन बात करें तो पौधशाला में मुख्यतः ऐसी कौन सी सब्जियां जिसकी पौधशाला तैयार नहीं की जा सकती,
तैयार नहीं कर सकते, तो वो है पहली भिंडी, सेकंड मटर और तीसरी कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी सब्जियां हैं। कुकुरबिटेसी कुल में जैसे लौकी, तुरई, ये जितनी भी सब्जियां हैं इसकी पोहा सादा अपन तैयार नहीं करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट देना चाहते हो तो दे सकते हो। और पोहा सादा में जैसे अब बात करें तो पोहा सादा की रोपाई की आयु, पोहा सादा में रोपाई की आयु क्या रखी जाती है, सब्जियों की रोपाई की आयु बहुत सारा में रोपाई की आयु की बात करें तो सबसे पहले सभी सब्जियों के लिए पाँच से छः सप्ताह में कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी मुख्य सब्जियां जैसे टमाटर, चार से पाँच सप्ताह में, प्याज छः से आठ सप्ताह में, फल वृक्ष एक वर्ष में, और पुष्पीय पादप। आगे अपन बात करें पुष्पीय पादप की, तो पुष्पीय पादप की रोपाई की आयु है तीन से चार सप्ताह। और फल वृक्षों में एक अपवाद है पपीता, इसकी रोपाई की आयु दो महीने। सभी वैसे तो फल वृक्ष की सभी की एक वर्ष होती है, लेकिन ये अपवाद है पपीता, इसकी दो माह में तैयार अपन कर रोपाई कर सकते हैं। आगे अपन बात करें ऐसी कौन कौन सी सब्जियां जैसे किस किस उम्र में किस किस महीने में करते हैं, जैसे आलू, बैंगन और मिर्च, इनकी नर्सरी अपन मई जून में तैयार करते हैं। और इसकी स्थानांतरण की उम्र है वो है जून जुलाई। बात करें पपीता की, तो अप्रैल मई में तैयार करते हैं पौधा सादा और जुलाई अगस्त में इसका स्थानांतरण करते हैं। आगे बात करें प्याज की, तो प्याज की नर्सरी अपन अगस्त सितंबर में करते हैं, अगस्त और सितंबर में। और अक्टूबर नवंबर में खेत में स्थानांतरण करते हैं। ये बात हो गई। ये पौधशाला में कब इसकी रोपाई करते हैं, पौधशाला में रोपाई और खेत में स्थानांतरण, ये हुई। आगे अपन बात करें तो सबसे पहले जैसे ऐसी सब्जियां जिसकी पौध सादा बहुत ही सावधानी से की जाती है, बात करें तो प्याज और मिर्च, ऐसी सब्जियां जिनकी पौध सादा बहुत सावधानी से तैयार की जाती है।
वो है प्याज और दूसरा है मिर्च। ठीक है, ये बात हो गई। आज का अपना बहुत सारा प्रबंधन टॉपिक समाप्त हुआ। ये मेरी पहली क्लास है। वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हो। मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपका स्नेह एवं प्यार मिलेगा इस वीडियो पर। धन्यवाद।